हेलो बच्चों, नमस्ते, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ क्लब। तो आज हम देखने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या होता है ऑर्थोगोनलिटी, इस पर चर्चा करेंगे अभी, और इसके बाद हम देखेंगे एडजॉइंट और उसी के हेल्प से हम इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं अभी जो पोर्शन चल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, बिकॉज इनवर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं और आने के चांस भी हैं। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम चैप्टर खत्म करने की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मतलब इसके बाद दो लेक्चर या तीन लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होती है। कुछ तो भी ऐसी कंडीशन होगी जिसको यदि कोई मैट्रिक्स फुलफिल करे तो ऑर्थोगोनल हो जाएगी। तो वो कंडीशन ये होता है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए, फॉर एनी मैट्रिक्स, ठीक है, और एनी मैट्रिक्स में वो स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, क्या ऑर्डर, ए के ही ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, देन ए इज कॉल्ड, या मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कंडीशन होता है ऑर्थोगोनल का, ठीक है ना। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अबव कंडीशन मतलब ये वाली कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, ठीक है ना। ये कंडीशन ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन कहलाती है। आप लिख सकते हैं कि अबव कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लैंग्वेज का गेम है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये यदि कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो समझ लो कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। बस ये ध्यान रखना है, ट्रांसपोज इससे पहले आपको बता दिया गया है और बाकी चीज़ें आपको आई के बारे में पता है कि आई क्या होता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज है, ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। यूजुअली आप देखो ध्यान से कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, इन जनरल ये नहीं होता है, बट यहाँ पे होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो इसको हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या स्पेशलिटी है ऑर्थोगोनल की, तो हम नोट के थ्रू जाएंगे इसमें। तो नोट नंबर वन की बात करेंगे, नोट नंबर वन, ठीक है। हमें पता है क्या कि ए इंटू ए ट्रांसपोज कोई भी एक कंडीशन ले लो इक्वल टू आई होता है, फॉर ये पूरी ऑर्थोगोनल के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या नोट डाल के लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, उससे भी पता चलेगा आपको कि क्या कुछ आउटपुट निकल रहा है। तो मैंने क्या किया, इधर भी डिटर्मिनेंट ले लिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में जो डिटर्मिनेंट होता है वो आसानी से स्प्लिट हो जाता है, मतलब दोनों को अलग अलग मिल जाएगा। तो दोनों को अलग अलग मिल गया, और आई का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है, वन होता है। और एक बात और आपको पहले बताई जा चुकी है कि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो इस लिहाज से मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वन। अब ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ओपन करता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर, तो दिस इंप्लाई मॉड ऑफ ए प्लस वन इंटू, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन, डिटर्मिनेंट को मैं बार बार मॉड बोल देता हूँ, तो आप इसको कंसिडर कर लें कि डिटर्मिनेंट है, दिस विल बी जीरो। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, यहाँ से दिस इंप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस वन। ये देखिए, ये एक आपके पास कंडीशन आ गया, और इस कंडीशन से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि कभी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो प्लस वन आएगी या माइनस वन आएगी, बहुत क्लियर है, ठीक है। तो इससे और एक कंक्लूजन निकलेगा नोट नंबर टू का, क्या हमें पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो जीरो नहीं होगा। देखो मैं लिख रहा हूँ, वी नो दैट फॉर एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए, मान लिया ए ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हेंस इसी से मुझे क्या पता चला कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज
ऑलवेज इन्वर्टिबल, मतलब हमेशा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। क्यों आगे चल के भी पढ़ने ही वाले इन्वर्स में, मैं आपको बार बार बताया था कि ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, अभी आपको पता नहीं है, वो ऐसा होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि जीरो नहीं है तो ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हम एडजॉइंट ही पढ़ने वाले हैं, इसके जस्ट बाद एडजॉइंट पढ़ेंगे और एडजॉइंट पढ़ते ही इन्वर्स एग्जिस्ट कराना हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये मुद्दा बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यदि है ना तो वो इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसके इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इस बात की 110% गारंटी है। गारंटी तो समझ रहे हो ना क्या होती है, वारंटी वाली बात नहीं है। यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी में और इसको एक्सटेंड करते हैं। हमने फिर से वही बोला कि फॉर एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, हमें क्या पता है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, ठीक है ना, प्री मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखें, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। रीजन ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करना ही करना है, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कंडीशन नोट नंबर टू कि ए इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। अब आपको एक चीज पहले से पता है कि आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स है वो रह जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गायब हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर इन दोनों को मिलाने पे आई मिल जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए, तो दिस इज आई इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, और फिर आई से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे, ये बहुत काम की चीज़ है कि यदि हमें पता चल जाए, क्योंकि देखो मैं एक बात बहुत पहले ही बता दूं आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना एक लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है ना, मतलब इतना भी लेंदी नहीं कि नहीं कर सकते, बट मतलब कंपेरिजन यदि करें मैं बाकी चीज़ों से, ठीक है ना, तो थोड़ा लेंदी जाता है। तो यदि मुझे ये पता चल जाए कि ये मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है वो ऑर्थोगोनल है, मुझे ए इनवर्स लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, ए ट्रांसपोज लिख दूंगा तो हमें ऑर्थोगोनलिटी के कंडीशन से ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये काम का है कि हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस कर देगा, और कैलकुलेशन रिड्यूस करना भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है, तो आगे चलते हैं। और इसमें अब नोट नंबर फोर की बारी है, नोट नंबर क्या फोर क्या बोलता है कि इफ ए इज ऑर्थोगोनल, ठीक है, ए ऑर्थोगोनल है, ए इज ऑर्थोगोनल का मतलब ए जो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, देन ए ट्रांसपोज इज और विल ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है, बात को समझेंगे कि ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, इस बात की बिल्कुल पुख्ता गारंटी है। प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना, प्रूफ कर लेते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। ए ऑर्थोगोनल गिवन है, गिवन है का मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, ये तो गिवन है हमारे पास कंडीशन, बताओ ये तो गिवन ही है ना। अब बोला है कि ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, मान लिया कि लेट बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है, बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मुझे इसको ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो मैं इसकी जगह मैं बी को ऑर्थोगोनल प्रूफ कर दूं तो चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि फॉर बी टू बी ऑर्थोगोनल, B को ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, B इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू आई होना पड़ेगा, मतलब वैसे भी B ट्रांसपोज इंटू बी भी लिखना चाहिए मुझे, लोगों भी लिख देता हूँ, इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू बी भी होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ ना, B तो हमें पता है A ट्रांसपोज है, इंटू फिर से B पता है A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज आएगा, हम मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू आई चलने दिया जाए, और यहाँ पे भी A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज गायब हो जाता है, तो यहाँ भी गायब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई इक्वल टू, ये भी हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब बोला फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ये क्या हो गया आई, ये क्या होगा आई, इक्वेशन नंबर वन से देखो पहले से गिवन है ना हमारे पास, आई इक्वल टू आई आ गया ना, मतलब ये सही बात है, आई इक्वल टू आई, तो यहाँ से ये क्या प्रूव हो गया, हेंस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन ऑर्थोगोनल, इन्वर्टिबल नहीं, ऑर्थोगोनल होगा तो इन्वर्टिबल तो होगा ही होगा,
तो बात समझ रहे हो ना कि ए ट्रांसपोज भी हमेशा इन्वर्टिबल होगा। नोट नंबर फिफ्थ ले लेते हैं, फिफ्थ, यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज मतलब यूनिट मैट्रिक्स समझ रहे हो ना, आई से जिसको डिनोट करते हैं, आई इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। समझना ध्यान से, ये हमेशा ऑर्थोगोनल होता है, इसको प्रूफ कर सकते हो। आई ट्रांसपोज निकालोगे आई ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें, ठीक है ना। तो आई इंटू आई ट्रांसपोज वो सब आई 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 ही रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बोला है कि इफ ए ऑर्थोगोनल बी ऑर्थोगोनल तो ए बी भी ऑर्थोगोनल होगा। इफ ए इज ऑर्थोगोनल एंड बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल then AB will also be orthogonal, ठीक है, बात समझना। A orthogonal है, B orthogonal है, तो AB मतलब A into B भी orthogonal होगा। प्रूफ करते हैं इसका भी प्रूफ देखो, ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से। A orthogonal है मतलब A into A transpose equal to A transpose into A equal to I रहा होगा, एंड बी भी ऑर्थोगोनल है, बी भी ऑर्थोगोनल है, तो एंड और क्या हो जाएगा, बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू आई रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, ए बी ऑर्थोगोनल है ये प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया कि लेट सी इक्वल टू ए बी। अब सी को प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल है, मतलब मैं ये प्रूफ करूं कि ए बी ऑर्थोगोनल है, या ये प्रूफ करूं कि सी ऑर्थोगोनल है, या डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैंने बोला कि फॉर सी टू बी ऑर्थोगोनल क्या होता है कंडीशन, सी ट्रांसपोज इंटू सी इक्वल टू सी इंटू सी ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है थोड़ी स्पेस की कमी हो रही है, तो आप यहाँ तक लिखो, मैं वीडियो पॉज करके आप लिखो, मैं मिटाता हूँ, फिर यहाँ पे करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना था, सी को मैंने ए बी को मैंने सी मान लिया था, और कंडीशन क्या था कि सी को मुझे प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू या आई हैव टू प्रूफ दैट सी ट्रांसपोज इंटू सी इक्वल टू सी इंटू सी ट्रांसपोज इक्वल टू आई। मतलब यदि सी ऑर्थोगोनल हो जाएगा तो ए बी भी ऑर्थोगोनल हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना है, करते हैं ना। तो सी की जगह ए बी रखेंगे, तो ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे को कर लेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, ये ट्रांसपोज जो होता है रिवर्सिबल लॉ के रिस्पेक्ट में ओपन होता है मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और इंटू आगे ए इंटू बी है, सबको एक साथ ले लिया। अब देखो हमारे पास जो कंडीशन भी गिवन था ना कि ए इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल और बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, तो ए ऑर्थोगोनल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो इसको आई लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू आई इंटू बी। अब i तो किसी से भी मल्टीप्लाई हुआ तो कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या बच गया, b ट्रांसपोज इंटू बी एंड b इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, हेंस दिस विल ऑल्सो i। तो आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया, ये मिल गया ना, इसको ही तो प्रूफ कर रहे थे कि c ट्रांसपोज इंटू सी आई आ गया। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, c ट्रांसपोज इंटू सी की वैल्यू कर रहे थे, एंड c इंटू सी ट्रांसपोज, तो c तो क्या है, ab है, और इंटू ए बी का ट्रांसपोज लेना है, ए बी तो एज इट इज रहने दो, और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, रिवर्सल लॉ के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज चलेगा। अब बी इंटू बी ट्रांसपोज आई हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज। अब आई फिर से गया, अब ये टी है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, और पहले से ये बताया गया है कि ए इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, हेंस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई। तो क्या पता चल गया कि सी ट्रांसपोज इंटू सी इज इक्वल टू, हेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस सी ट्रांसपोज इंटू सी इक्वल टू सी इंटू सी ट्रांसपोज इक्वल टू आई, इट मीन्स सी इज ऑर्थोगोनल एंड सी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ए बी, राइट है। आई होप बात समझ गए होंगे, कुछ नहीं है यार इसमें, मतलब कुछ नहीं है, कुछ का मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यही तो बचा हुआ था यहाँ पे, थोड़ा सा सॉल्व करना था, स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे करना पड़ा। तो आप समझ गए होंगे बात को, और ये सब कंडीशन छोटी छोटी कंडीशंस हैं कि ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में कैसे ओपन होता है, एडिशन में डायरेक्टली ओपन होता है, मल्टीप्लिकेशन में रिवर्सल लॉ लगता है, ये सब चीज़ें थोड़ी दिमाग में रखनी पड़ेगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्यूचर में, फ्यूचर ब्राइट रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो एक काम करो ना, इसको लिख लो,
मैं मिटा लेता हूँ, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स, मतलब इनवर्स का मतलब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक है और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे तो नहीं बोलेंगे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद हमें हमारे पास सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाकी हैं जो कि मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। डिटरमिनेंट में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको क्रैमर रूल से, यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड जिसको बोलते हैं उससे करने वाले हैं। फिलहाल बाकी बातें बाद में करेंगे, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनवर्स को डिफाइन करेंगे। बिकॉज आपको मैं बार बार वो फॉर्मूला दिखा रहा हूँ ना, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो अब बात करते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मैंने मान लिया पहले ही कि लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए, मतलब ए पे ही बात करेंगे। लेट वी हैव अ मैट्रिक्स विच इज ए इक्वल टू, मतलब ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है ध्यान से देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैं लिख देता हूं, पहले डेफिनेशन ही लिख देता हूं कि लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई और डिनोटेड एज या रिप्रेजेंटेड एज, जैसे भी है, ए डी जे ऑफ ए, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए, चलेगा ना, मतलब इसको ध्यान रखना है। एंड इट इज डिफाइंड बाई या इट इज डिफाइंड एज, जो भी है डिफाइंड बाई, देखें ध्यान से, अपने आप में ये भी एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। ये तो डिनोट, इसका नोटेशन हो गया। एंड इट इज डिफाइंड बाई, देखो कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अब ये जो ए मैट्रिक्स है ना इसको और अच्छे से यहां पे लिखना है तो ऐसे लिख लो, मैट्रिक्स ए विच इज ए आई जे, चलेगा ना, थोड़ा अच्छा हो गया ऐसे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है पता है आपको, तो ये हो जाएगा सी आई जे का ट्रांसपोज, और एक बात है, यदि इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा। और देखो, ये तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है ना, तो m क्रॉस n का मतलब क्या हो गया, m और n बराबर ही हो जाएगा, तो यहां भी बराबर ही रहेगा, मतलब जो ऑर्डर इसका वही ऑर्डर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर ऑल i, j बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड c i j रिप्रेजेंट कोफैक्टर्स, कोफैक्टर पढ़े क्या, माइनस कोफैक्टर्स, ये तो पहले ही पढ़ रखे ना, तो ये पता होना चाहिए। अब ये पूरी जो ज्ञान की बातें यहाँ पे लिखी गई है ना, शायद ना समझ में आई हो, अब मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल से, ठीक है। एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद हम एक कोई भी अलग सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। ए हमारे पास मान लिया ये है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री एंड ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, ऑर्डर कितना इसका 3x3 का है, ये तो अंदाजा भी बता देगा देख के। अब मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए, तो पता क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा ना, ये सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री, सी थ्री वन, सी थ्री टू, सी थ्री थ्री एंड दिस इज ऑल्सो 3x3 मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज। मतलब क्या करो, किसी भी मैट्रिक्स के लिए यदि आपको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर को एज इट इज अरेंज करें और उसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसमें और कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकालना आपको आता है और कोफैक्टर तभी मिलेगा जब हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए और स्क्वायर मैट्रिक्स ए बोल सकता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, चलेगा, क्या दिक्कत है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हमारे पास ये सारा काम होगा, वैसे भी पता है कि हम इनवर्स की तरफ जाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, राइट है ना। तो खासकर इसको ध्यान रखिए, छूट गया था, ठीक है, सी आई जे का ट्रांसपोज। तो ये बात समझना कि कोई मैट्रिक्स ए दिया होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, पहले बताया गया है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बात ना करते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल से समझते हैं और, ठीक है। तो ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर वन, ठीक है ना। लेट ए इक्वल टू वन थ्री टू जीरो माइनस वन वन
एंड 2, 3, 5, ठीक है, 3 × 3 का ही है. फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो क्या दिक्कत है जी, निकाल दो. सबसे पहले क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए जैसे ही सुना आपने कोफैक्टर्स निकालना शुरू कर देता है. तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ इसका. सबसे पहले मैं C11 निकालूंगा. पता है आपको C11 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 1, i + j. तो 1 + 1, मैं पूरा नहीं लिखूंगा अभी, दो चार बार डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू करूंगा. तो ये आप ध्यान रखें. अब 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, C11 किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा होगा, A11 के रिस्पेक्ट में. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को आप नेग्लेक्ट करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करो. तो ये क्या हो जाएगा, -5, एंड एक और डिफॉल्ट माइनस आएगा और 3 × 1 -3. तो -1 का पावर 2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा. ऐसे ही C12 आप निकालेंगे. C12 में -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा. देखिए 1 + 2 = 3, और अब 3 का गेम हो गया खत्म. तो 3 के लिए कॉलम और 3 के लिए रो खत्म. तो 0 × 5 = 0 - 2, दिस इज 0 - 2, दैट विल बी, यहाँ एक माइनस मिलेगा और यहाँ एक माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा. ऐसे ही मैं C13 निकालता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4, और 1, 3 के केस में ये वाला कॉलम गायब और ये वाला रो गायब. तो 0 × 3 = 0, और -2 मतलब +2, तो दिस इज 0 + 2, तो हियर ऑल्सो +2 एंड दिस इज ऑल्सो प्लस, तो ये 2 हो गया. ऐसे ही C13 हो गया ना, 2, 1 की बात कर लो. को फैक्टर्स निकाल रहे हैं 0 के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए ये रो और ये कॉलम गायब. तो 3 × 5 = 15 - 6, ठीक है. तो पहले तो -1 की पावर 3, और ये हो जाएगा 15 - 6, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × -1, तो दिस इज -9, ठीक है. C21 हो गया. C31 की बात करते हैं, सॉरी C22 की बात करते हैं. सीक्वेंस में चलते हैं ना, ये नहीं कि एक बार यहाँ का निकाल दिया, एक बार यहाँ का निकाल दिया, पता चला 2-3 छोड़ भी दिया उसी में. C22 की बात करो, -1 की बात करते हैं. तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम मतलब एलिमिनेट हो गया. एलिमिनेट का मतलब थोड़ी देर के लिए हटा दिया आपने. 1 × 5 = 5 - 2 × 2 = 4, 5 - 4 आने वाला है. तो दिस इज -1 की पावर 4, दिस इज 5 - 4, तो ये भी प्लस और ये भी +1, तो ये 1 हो गया. C23 करेंगे. C23 में -1 की पावर 5 तो पहले से ही पता है आपको कैसे 2 + 3 = 5 होता है. और 23 के लिए इस 1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये और ये गायब हो गया. 3 - 6, 3 - 6, तो दिस इज -3 × -1 = 3 हो गया, ठीक है. हमने C23 तक निकाल दिया. अब C31 की बात करते हैं, तो ये -1 की पावर 4, अब 2 जो ये 2 है ना, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में, तो ये रो और ये कॉलम, तो 3 × 3, 3 × 1, 3, और -2 = 5 हो जाएगा. तो 3 + 2, तो दिस इज 5, और ये भी +1 ही है, तो ये 5 हो गया, ठीक है. C32 की बात करो, 32 में 3 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं इस 3 के, तो ये रो और ये कॉलम, तो 1 × 1 = 1 - 0, 1 × 1 = 1 - 0, तो क्या करते हैं, -1 की पावर 5, और दिस इज 1 - 0, तो दिस इज 1 × -1, अगेन -1, एंड C33 निकाल दो. C33 डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, पहले तो -1 की पावर 6 लिख लो आप. कोई बोले कि सर मैं डायरेक्टली ये सब मुझे -1 जो लिख रहा हूँ ना, ये डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, तो आप अच्छी बात है लिख सकते हो तो, ठीक है. इसके रिस्पेक्ट में ये गायब, दिस इज -1 एंड -0, -1 - 0, -1 - 0, दिस इज -1 और दिस इज +1, तो दिस इज -1. तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें, एडजॉइंट ऑफ ए, एंड दिस इज, पहले इसको सजा लो. क्या करना है यहाँ पे, देखो C11, C12, C13, तो C11 कितना है हमारा, -8, C12 2, C13 2, ठीक है. अगेन C21 -9, C22 1, एंड दिस इज 3, ठीक है. C31 5, C32 -1, एंड दिस इज ऑल्सो -1. और इसका ट्रांसपोज लेना, इसको ना भूलें, ये गेम चेंज कर देगा पूरा. इसका ट्रांसपोज लेना है, अच्छा, ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज लेके लिख दो. तो क्या हो जाएगा यहां पे, देखो -8 2 and 2, ठीक है, -9 1 and 3, -9 1 and 3, एंड 5 - 1 - 1, 5 - 1 - 1, दिस इज आवर करेक्ट आंसर. मतलब एडजॉइंट ऑफ ए विल बी दिस, और दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ ए कोई हवा में, मतलब रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है कि आप सोचोगे कि क्या दे दिया, मैट्रिक्स है भाई. कोफैक्टर का यूज करके मैट्रिक्स बना दो और उसका ट्रांसपोज दे दो, वही मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए. तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, समझ गए होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है. और भी क्वेश्चन लेंगे, ऐसा नहीं कि लास्ट क्वेश्चन है.
और भी एक आध क्वेश्चन लेंगे और फिर इसको हम अच्छे से डील करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर पहले वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर टू हो जाएगा, लेट ए इक्वल टू माइनस टू जीरो फाइव एंड वन, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, देन एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, ठीक है। तो देखो इसका एडजॉइंट बहुत जल्दी से निकाल सकते हो आप। पहले तो आप प्रोसीजर से चलो, पूरा प्रोसीजर वे फॉलो करो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो सी वन वन निकालेंगे। सी वन वन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर वन प्लस वन टू, और ये वन हो जाएगा, तो दिस इज वन। ऐसे ही सी वन टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी वन टू, इसके लिए लेंगे तो दिस इज माइनस वन की पावर थ्री, और इसके रिस्पेक्ट में ये फाइव आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का फाइव, ठीक है। ऐसे ही सी टू वन लोगे तो माइनस वन की पावर थ्री और फाइव के रिस्पेक्ट में जीरो आएगा, तो ये तो जीरो ही रह जाएगा। और सी टू टू लेना है तो माइनस वन की पावर फोर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये माइनस टू, तो ये तो माइनस टू ही रहेगा। तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इज क्या, सी वन वन सी वन टू, मर्जी पड़े लिखो या डायरेक्टली वैल्यू लिखो, दिस इज वन देन माइनस फाइव देन जीरो एंड देन माइनस टू, ये है नहीं, इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट होगा। ये बहुत लोग गलती कर जाते हैं, डायरेक्टली इसी को एडजॉइंट लिख देते हैं, ठीक है ना, बट ये गलती नहीं होनी चाहिए, दिमाग में डाल लो। इसका मतलब क्या हुआ, वन माइनस फाइव एंड जीरो एंड माइनस टू, दिस इज आवर एक्चुअल एडजॉइंट ऑफ ए, समझे क्या, ये हमारा एक्चुअल एडजॉइंट ऑफ ए है। अब क्या होता है कि यदि मैं बोलूं कि डायरेक्टली मुझे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो अब ध्यान से देखो क्या होता क्या है। अब देखो तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज किया गया है, डायगोनल एलिमेंट ये दोनों है ना, इनको इंटरचेंज कर दिया गया। देखो तो वन यहाँ चला गया है, माइनस टू यहाँ आ गया है, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज किया गया है, मतलब ये पहले दोनों प्लस का था, इसका तो प्लस माइनस का कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमने माइनस कर दिया। तो क्या करना होता है, मैं नोट डाल के यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, और आपको हमेशा इसको ध्यान रखना है कि फॉर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर टू है, ठीक है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, एडजॉइंट ऑफ ए इज रिटन बाई इंटरचेंजिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब यदि डायगोनल एलिमेंट्स को पूरा का पूरा इंटरचेंज करना है, नीचे वाला उठा के ऊपर और ऊपर वाला उठा के नीचे, देखो वन यहाँ चला गया माइनस टू, और इनमें साइन चेंज करना है, मतलब ये प्लस के होंगे तो माइनस के होंगे तो प्लस का, सपोज ये माइनस का होता तो क्या करते। अभी मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, डायरेक्टली लिखेंगे आप, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर थ्री, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू थ्री माइनस वन, और यहाँ पे टू ले लो, ठीक है ना, मुझे फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्टली लिखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, देखो कैसे डायरेक्टली जो हमने अभी नोट लिखा है इसके रिस्पेक्ट में, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो टू ऊपर चला जाएगा माइनस टू नीचे आ जाएगा, तो हियर टू हियर माइनस टू, और बोला इनका साइन चेंज कर दो, तो माइनस वन वाले को प्लस वन कर दो और प्लस थ्री वाले को माइनस थ्री कर दो, आप सॉल्व करके देखो यही आंसर आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फोर रहेगा, ठीक है, लेट ए इक्वल टू वन फाइव टू थ्री, ठीक है, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालना है, सबसे पहले आपको टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए निकालना है, तो कद्दू क्वेश्चन है वैसे फालतू का, देखो लेकिन ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल दो, ठीक है,
फिर 2a² निकालेंगे, तो a स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, a इंटू ए होगा, तो दिस इज 1, 5, 2 एंड 3 एंड अगेन 1, 5, 2 एंड 3, 1, 5, 2 एंड 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 इंटू 1, 1 प्लस 10 दिस इज 11, फिर 5 प्लस 15, 20, 2 प्लस 6, 8, 10 प्लस 9, 19, ऐसा हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए 2a² तो 2a² 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 22, 40, 16 एंड 38, 2a² में प्लस 3a चाहिए, तो मैं 3a भी निकाल देता हूँ, 3a मतलब जो a मैट्रिक्स उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3, 15, 6 एंड 9 इनको ऐड करना है, तो 2a² प्लस 3a आफ्टर एडिशन क्या हो जाएगा, 22 प्लस 3, 25, 55, 16 प्लस 6, 22, 38 प्लस 9, 47। अभी एडिशन मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसका कोई उपाय नहीं है ना, क्या उपाय है इसका, कोई उपाय नहीं है। तो बस मुझे एडजॉइंट चाहिए इसका, तो अब तो डायरेक्टली लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ है, देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ 2a² प्लस 3a क्या बोलता है पता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो कर दिया 47, 25, और बोलता है इनका साइन चेंज कर दो, तो दोनों पॉजिटिव था तो दोनों को निगेटिव कर दिया, यही आएगा एडजॉइंट, दिस इज आवर आंसर। यदि आपको डायरेक्ट पता है तो सीधे सीधे लिख दोगे, नहीं तो ये सब कचरा करना पड़ेगा, इतना सब निकालना पड़ेगा, फिर ये लिख के ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर आओगे तो यहीं पे, तो ईजी है नहीं है, तो ईजी है तब क्या करोगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी देखते हैं अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ठीक है ना, कि एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और इसी के अंदर इनवर्स आएगा, अभी इसी के अंदर मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा इनवर्स को, कि इनवर्स क्या होता है, और इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसका, ठीक है ना। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है और काफी अच्छी प्रॉपर्टी है ये, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, ठीक है, आई एन क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n मतलब जो a का ऑर्डर है वही i का ऑर्डर होगा, ठीक है। इसका प्रूफ देखो ध्यान से कि कैसे करते हैं इसका प्रूफ, प्रूफ देखना, मान लिया a भी हमारे n ऑर्डर का, ठीक है ना, ये a के लिए बात कर रहे हैं, फॉर मैट्रिक्स a और ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये सारी चीजें पहले बताई जा चुकी हैं, तो यहां पे अभी ऐसा कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। मैं a लिख देता हूं आपके पास, a कुछ ऐसे होगा a11, a12, a13, a14 up to a1n, ठीक है ना, और ऐसे ही नीचे भी गया होगा a21, a22, a23, a24 up to a2n, समझ रहे हैं बात को, बात को समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या करना चाहता हूं। ऐसे ही नीचे जाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, a11, an2, an3, an4 up to an of n, राइट है, ये n into n का हमारे पास एक मैट्रिक्स है a। अब मुझे इसका एडजॉइंट लिखना है, ठीक है, तो देखो एडजॉइंट में क्या करना होता है, हमें कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना होता है, तो मैं डायरेक्टली आपको ट्रांसपोज लेता हूं, मतलब मैं यहां पे c11, c12, c13, c14 करके बाद में ट्रांसपोज लूंगा, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा c11, c12, c13 एंड ये कहां तक जाएगा, c1n तक जाएगा, c14 भी ले दो ज्यादा दिक्कत है तो, ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लेते हैं, c12, c13, c14 एंड अप टू c1n, ऐसे ही क्या हो जाएगा c21, c22, c23, c24 अप टू c2n, ऐसे ही आप इधर भी बढ़ते जाएंगे और 1, 2, 3 up to cn1, cn2, cn3 and cn4 and up to c of nn, और यहां पे जाके ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n का है, ए का भी ऑर्डर n क्रॉस n का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे प्रूफ ये करना है कि a into adjoint of a ऐसा आना चाहिए, मैं काम करता हूं ना, यहां पे करता हूं ना, a into adjoint of a, ध्यान से देखेंगे, मैं इसको लिख रहा हूं अगेन, ठीक है,
या मैं डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करके देखूं, चलो लिख लेते हैं। तो ये ए रहा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, क्योंकि देखो बहुत बड़े बड़े एन ऑर्डर का बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा और कम लिखूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री अप टू ए वन एन, राइट है। ऐसे ही ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री अप टू ए टू एन, ऐसे ही नीचे चले जाओ तो ए एन वन, ए एन टू, ए एन थ्री अप टू ए ऑफ एन एन, ठीक है। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इधर एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए हम डायरेक्टली लिख चुके हैं ऑलरेडी, इसी को कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री अप टू सी वन एन ले लिया, सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री अप टू सी टू एन ले लिया। यहाँ पे ऐसे ही बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एन वन, सी एन टू, सी एन थ्री अप टू यहाँ पे सी एन एन, ठीक है ना। ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब मल्टीप्लीकेशन आता है आपको मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आता है और आई होप आप कर पाएंगे, ठीक है ना। ये इधर अलग है, ये इधर अलग है, तो मैं चाहूँ तो इसको सेपरेट कर देता हूँ, इस कलर से सेपरेट करता हूँ, ब्लू वाले से, ठीक है ना। यहाँ मैं अलग कर देता हूँ, हम इधर अलग बात कर रहे हैं, ये एन इंटू एन था जो भी है। क्या होगा, कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, दिस इंटू दिस। तो अब देखो क्या होगा, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें क्या मिलने वाला है, ए वन वन सी वन वन प्लस ए वन टू सी वन टू प्लस ए वन थ्री सी वन थ्री, राइट है। ऐसे ही मिलता रहेगा पहले वाले में। अच्छा एक बात बताओ, आपको याद है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, वहाँ पे ये बात बताई गई थी कि डिटर्मिनेंट की जब प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे मैंने ये बात लिखवाया भी है और समझाया भी था कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा, याद होगा। तो डिटर्मिनेंट में ये बताया गया है, तो मैं इतना लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली लिखूं कि ये सर ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। ये कौन सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देगा। अब यहां पे दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, देखो ए वन वन सी टू वन, ए वन टू सी टू टू, ए वन थ्री सी टू थ्री, ऐसे ही जाएगा। मतलब ये भी बात आपको लिखवाई गई थी कि किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो होगा। फिर अगेन इसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तब तो डिटरमिनेंट देगा, और किसी के साथ करोगे ना तो जीरो ही देगा। ये बातें बताई जा चुकी है और लिखवाई जा चुकी हैं। तो यहाँ पे जीरो 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 आता रहेगा और एन टाइम्स जीरो आएगा, यहाँ पे लास्ट में एन टाइम्स जीरो हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा, ए टू वन सी वन वन से, ए टू टू सी वन टू से। तो देखो अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं, इसका कोफैक्टर तो यहाँ पड़ा हुआ है, इसका कोफैक्टर यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या देगा, ये यहाँ पे जीरो देगा। लेकिन जैसे ही अगले स्टेप पे जाएंगे ये क्या दे देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देगा। फिर क्या हो जाएगा, ये जीरो जीरो और ये भी जीरो हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, फिर जीरो 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 जीरो, ऐसे करते करते ये लास्ट में पता क्या होगा, इधर तो सब जीरो ही रहेंगे, ऐसे नीचे जाओगे तो यहाँ भी जीरो, ये जीरो मैं इनको हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख लूँ, जीरो जीरो एंड अप टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स से अभी एक नंबर्स दिख रहे हैं आपको, डायगोनल्स पे ही आएंगे। अब यदि किसी मैट्रिक्स से मैं कुछ नंबर कॉमन लेना चाहता हूं तो सारे एलिमेंट्स आएगा कॉमन, तो सारे एलिमेंट्स मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे वन बचेगा, ये जीरो जीरो जीरो, पता नहीं कितना जीरो, ठीक है ना, यहाँ लास्ट में फिर जीरो रहेगा, फिर यहाँ पे जीरो वन, ऐसे ही जीरो 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 ऐसे ही रहेगा, फिर जीरो जीरो वन आएगा, ऐसे ही करते करते आप कहाँ तक जाएंगे, यहाँ लास्ट में वन रहेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं यूनिट मैट्रिक्स ही तो बन रहा है, ये यूनिट मैट्रिक्स ही तो बन रहा है। तो यही तो लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन, ये एन इंटू एन ऑर्डर का ही है ना, तो हैंस प्रूव्ड। यही बात बताना था आपको कि कोई भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि क्या होता है कि कभी आपको क्वेश्चन में ये पूछ दिया तो ये करके दे दो, और डिटर्मिनेंट निकालना ईजी होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना अभी देखा आपने कि थ्री इंटू थ्री का मैट्रिक्स है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस उतना ईजी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी तो जा ही रहा है। तो मेरे हिसाब से
एक बार आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो 10-12 लाइन वो खाएगा, उसके बाद से मल्टीप्लीकेशन होगा कुछ 2-4-5 लाइन वो खाएगा, उतने में तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ जेडब्ल्यू मेंस में ही, तो उसको करते हैं इसके बाद। तो फिलहाल आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो ये क्वेश्चन जो है जेडब्ल्यू मेंस 2016 में आया हुआ है, जेडब्ल्यू मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये आया हुआ है, तो इसको हम करके देखेंगे कि ये कैसे होगा। और देखो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा हो इसमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें पूछा है। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वैसे ये 2x2 का मैट्रिक्स से आसानी से हो सकता है, बट हम वैसा नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज में और जल्दी से हो जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और पूछा इसने कि 5a प्लस b निकालना है आपको, ये निकालना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मुझे पता है कि वी नो अभी अभी प्रॉपर्टी यूज किए थे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। तो इसकी जगह मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a ले लूँ, तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 5a, यहाँ है माइनस ऑफ b, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10a एंड प्लस 3b एंड इंटू आई एन भी तो रहेगा। अच्छा चलो, अभी डिटर्मिनेंट ऑफ a है तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a आई एन निकाल देता हूँ। तो आई एन का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू पहले लिख लो, चलो इसकी वैल्यू पहले लिख लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास आया है 10a प्लस 3b एंड आई एन हो जाएगा 1001। 2x2 का ही लेना है, क्यों, क्योंकि ये 2x2 का ही गिवन है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 10a प्लस 3b, हेयर 0, हेयर ऑल्सो 0 और 10a प्लस 3b। तो ये हमारा पता क्या है, ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आ गया, दिस इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ a यदि ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो निकाल पाओगे, मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। अब ये किसके बराबर है, a इंटू a ट्रांसपोज, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। नाउ अब a इंटू a ट्रांसपोज की बात करते हैं, a इंटू a ट्रांसपोज, तो a हमारे पास लिखा हुआ है 5a, हियर माइनस b, 3 एंड 2, और a ट्रांसपोज क्या है, 5a माइनस b, 3 एंड 2, चलेगा, मल्टीप्लाई करो, 5a इंटू 5a, 25a स्क्वायर एंड दिस इज प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगेन 5a इंटू 3, 15a, ध्यान से देखो, 5a इंटू 3, 15a माइनस 2b, 15a माइनस 2b, हियर ऑल्सो 15a माइनस 2b, 15a माइनस 2b एंड 9 प्लस 4, 13। ठीक है ना, अब मुझे क्या दे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर है, देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि वी हैव a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू a ट्रांसपोज, और इसको इक्वल करके यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखो आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मेरे पास ये रहा 10a प्लस ऑफ 3b एंड हियर 0 एंड अगेन 10a प्लस ऑफ 3b इज इक्वल टू ये वैल्यू, इसका 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 15a माइनस 2b, 15a माइनस ऑफ 2b, हियर ऑल्सो 15a माइनस ऑफ 2b एंड दिस इज 13। ठीक है ना, ऐसा आ गया, ये दोनों सेम है, कंपेयर कर लिया दोनों को, कंपेयर करते ही क्या मिला, सब कंडीशन में लिख लेता हूँ सारी कंडीशंस को, तो एक क्या हो जाएगा 10a प्लस 3b इक्वल टू 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, क्योंकि 1 और 2 पहले से आ चुका है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0, 15a माइनस 2b के बराबर हो जाएगा, तो 15a माइनस 2b इक्वल टू 0, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ठीक है ना, ये फोर्थ है, ये तो सेम ही लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये और कर लो 10a प्लस 3b इक्वल टू 13, दिस इज फिफ्थ। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, आप देखो फोर्थ और फिफ्थ से मैं a और b निकाल के और थर्ड में डाल के चेक कर लूंगा कि सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि थर्ड को इन्वॉल्व करने का मतलब आप क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व कर रहे हो,
तो कहीं ना कहीं ईजी होगा लीनियर सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करें, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 45a माइनस ऑफ 6b इक्वल टू 0 और ये कितना हो जाएगा 20a प्लस 6b इक्वल टू 26, ठीक है ना, ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 65 ऑफ a इक्वल टू 26, तो a की वैल्यू हो जाएगी 26 बाई 65, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 बाई 5 हो जाएगा। a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दिस इज 2 बाई 5। अब बोला फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी ले लो, तो मेरे हिसाब से मैं फोर्थ को लूंगा, a की वैल्यू 2 बाई 5 रखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 बाई 5 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 2b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो a और b ऐसा आ गया, आप चेक करो कि इक्वेशन नंबर 3 सही है क्या, ठीक है ना, रख के वैल्यू देखो। सबसे पहले a स्क्वायर कितना होगा 4 बाई 25, तो 25 a स्क्वायर 4 हो जाएगा, 25 इंटू 4 बाई 25 4, एंड b स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, इधर भी 13 आना चाहिए 10, a प्लस 3 भी देखो तो 13 ही तो है, इसकी वैल्यू 13 ही तो है, इसी से तो आया है 13 इक्वल टू 13 सही है। मुझे क्या चाहिए नाउ, मुझे चाहिए 5a प्लस बी, इट मींस 5 इंटू 2 बाई 5 प्लस 3, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ताई होप आप बात को समझ गए होंगे, कुछ नहीं था इसमें, तो बस ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, देखो अभी रिसेंट आया हुआ है, मैं 2-3 साल पहले आया हुआ है, तो अक्सर आता ही रहता है, और आता रहता है से मतलब नहीं है, लेकिन एक बात समझो ना कि यदि हमने ये प्रॉपर्टी नहीं लगाई होती ना, तो कहीं ना कहीं ये खुद सॉल्व होने में 2-4 स्टेप और एक्स्ट्रा लेता, तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाता। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, लड्डू क्वेश्चन है वैसे भी। तो आई होप बात को समझ गए होंगे, तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे और हम प्रोसीड करेंगे, इन्वर्स पढ़ेंगे और एडजॉइंट की हम प्रॉपर्टीज़ को डील करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।